वेलकम टू द शो रियलिटी चेक। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के कारनामे के बारे में। आए दिन चैनल हैक हो रहे, रिकमेंडेशन सिस्टम खराब, ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात इनकम। आज हम बात करेंगे इस सब चीजों के बारे में एक एक करके। हम लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे बॉयज, आई डोंट नो इसके बाद हमारे चैनल का क्या होगा, बट यूट्यूब इज डेड। क्या बोल रहा है तू? यस, यूट्यूब में से यू मर चुका है, बस वो ट्यूब रह चुकी है जो है मनी मेकिंग ट्यूब। यूट्यूब को क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस नंबर गेम आता है और उसमें ही वो माहिर हो चुका है। YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम इतना खराब है कि मैं क्या बताऊं। मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड इतनी खराब नहीं लगी मुझसे ब्रेकअप करने के बाद, इतना खराब है। अगर हम YouTube से पूछे क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, हमारा वीडियो रिकमेंड क्यों नहीं करते लोगों को, तो YouTube बोलता कि सर एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन सर, यही कमेंट होता है उनका हमेशा हमेशा। और सब्सक्राइबर हम लोग को मैसेज करते कि सर आपका नोटिफिकेशन आ रहा ही नहीं यूट्यूब की तरफ से, जबकि उनको वीडियो देखना है फिर भी तुम नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे यूट्यूब। यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी एक छोटा सा इशू सॉल्व नहीं कर पाते इन लोग। और यही रिकमेंडेशन सिस्टम की वजह से हम लोग को ही सिर्फ इफेक्ट नहीं हो रहा है, काफी लोगों को हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है बट उनको व्यूज आ रहे 2 लाख 3 लाख 5 लाख। मैं बोलना नहीं चाहता नाम, बट आपको पता है यूट्यूब की जो चाटता है वही ट्रेंडिंग पे आता है, वही व्यूज लाता है, वही सब कुछ कमाता है। याद है जब हम स्कूल में थे, कोई एक बंदा चाटता था टीचर की बार बार, उसको टीचर प्लस वाई या फिर पास कर देती थी जस्ट बिकॉज वो चाटता है। उसमें कोई काबिलियत नहीं है, ना उसके पास स्किल्स है ना टैलेंट है, बट जस्ट बिकॉज वो यूट्यूब की चाटता है वो यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है और यूट्यूब उसे प्रमोट करता है। थैंक यू सो मच। फिलहाल जो नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म जिसके बात हम लोग बॉलीवुड में कर रहे हैं वो तो यहाँ पे भी हो रहा है। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर 3 महीने बाद में वीडियो अपलोड कर देना वो ट्रेंडिंग लिस्ट में जरूर आएगा, ये गारंटी है। अगर हम जैसे लोग 10 दिन का भी गैप ले लेना यूट्यूब से तो हमारा चैनल डेड हो जाएगा। हम लोग 4 साल से यूट्यूब कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो 3 साल दिखा रहा है, यूट्यूब पे 3 साल दिखा रहा है क्योंकि 1 साल हमारा बहुत क्रिंजी था। उसमें हम लोग ने कुछ ऐसे वीडियो बनाया जो हम लोग को बहुत क्रिंज होता है देखने में, उसके बारे में अभी कभी और बात करें, वो हम लोग ने प्राइवेट कर दिया। हम लोग 4 साल से कर रहे हैं और आपको एंटरटेन कर रहे हैं, अच्छा अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, क्रिएटिव कंटेंट लेके आते हैं, ना कि वही व्हाट्सएप जोक्स जिसको करके आज लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम ड्रॉप कर रहा हूं अभी, मैं काट दूंगा। अभी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। समझो कि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा क्रिएटर है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन रीच आउट नहीं कर पा रहे। उसमें से 5 क्रिएटर जो टॉप पे पहुंच गए जैसे कि आशीष चंचलानी, कैरी बनाती, बीबी के भाई समित पड़ा, हर्ष बेनीवाल। तो अभी यूट्यूब क्या करेगा, इनके ही वीडियो को वायरल करेगा, इनके ही वीडियो को रिकमेंड करेगा क्योंकि अब ये बन चुके हैं यूट्यूब के फेस। YouTube के फेसेस से याद आया फेवरेटिज्म। YouTube पे भी फेवरेटिज्म है और इतना है कि क्या बताएं, जो कि हम करण जौहर को बोलते हैं ना सेम काम यहाँ पे YouTube भी कर रहा है। YouTube के भी कुछ फेवरेट्स है जैसे कि नाम नहीं ले सकते बट आपको पता है उनके वीडियो ही शो होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इनकम। यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, क्या लाखों में, करोड़ों में या फिर अरबों में? वो अंबानी के बेटे क्यों नहीं है? मेरे को लगता है अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे एक टाइम पर लोग। आप लोग हमेशा पूछते हो कि यूट्यूबर आखिर कमाते कितना है और हमें भी डीएम करते हो आप लोग की इनकम कितनी है, पता हम लोग क्यों नहीं बताते? क्योंकि इज अगेंस्ट द पॉलिसी, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसा सब यूट्यूबर्स बोलते। एक्चुअल रीजन इज कि आप लोग डीमोटिवेट ना हो जाओ हमारी इनकम सुन के। आप डिमोटिवेट ना हो जाओ, आप वीडियो बनाना बंद ना कर दो, और क्रिएटर चाहिए बेसिकली यूट्यूब को, और एम्प्लॉयज चाहिए उसके, क्योंकि जितना एम्प्लॉयज उतना ज्यादा पैसा, पैसा सारा जहां पैसा अपना अपना पैसा। कुछ भी लिरिक्स गा रहा है। क्या आपको पता यूट्यूब क्रिएटर की अर्निंग से कितना परसेंटेज लेता है? 10% नहीं, 15% नहीं, 20% बस, इससे ज्यादा नहीं, इट्स 45%। 45? That means कि अगर तुम 10,000 कमाते हो तो उसमें से 4,500 YouTube लेके जाएगा और तुमको सिर्फ मिलेंगे 5,500 जो चने खरीदने के लायक भी पैसे नहीं है। मतलब यहाँ पे यूट्यूबर एक्टिंग करे, स्क्रिप्टिंग करे, राइटिंग करे, एडिटिंग करे, सब कुछ हम करे, बस ये प्लेटफॉर्म देने का इतना पैसा लेके जा रहा है। हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा क्रिएटर ये टॉपिक पे बात भी करना पसंद करेगा। यहाँ पे सच नहीं चलता, यहाँ पे झूठ चलता है, जो भी झूठ बोलता है वो बहुत आगे जाता है। बाय द वे गाइस, दिस इज द नियम ऑफ दिस संसार, बेसिकली जितना चाहोगे उतना आगे जाओगे, खुद के काम पे तो इनको भरोसा ही नहीं है और जो सच बोलेगा उसको दबाया जाएगा। एस वी नो UIC को तो जानते हो आप, राइट? ऐसे कितने अच्छे क्रिएटर्स थे जो अपना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाते थे बट अभी आपको नहीं दिखेंगे यूट्यूब पे क्योंकि वो छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। अगर बाय चांस वो आपके फीड पे आ भी गए ना तो आप उसको इग्नोर करके ऐसे इग्नोर करते हो जैसे कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्योंकि तुम सलमान भाई के फैन हो ना बॉयज, तुमको चाहिए बस एक सुपरस्टार, तुमको देखना नहीं टैलेंट और भी हो सकता है। ऐसे कैसे चलेगा यार, दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? साले तू बड़े क्रिएटर्स को क्या क्या बोल रहा है, तेरी औकात भी है क्या? हमको मिलियंस में व्यूज आते हैं और तेरे को 1 लाख व्यूज आता है वो भी 1 महीने में? छी तू, जरूरी नहीं है जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर है वो अच्छा ही कंटेंट बनाता हो और जिसके कम सब्सक्राइबर है वो गंदा कंटेंट बनाता हो, क्या पता वो उससे अच्छा कंटेंट बनाता हो बट आपकी नजर उस पर पड़ी नहीं क्योंकि ऑडियंस तो उसके ही पीछे है जी।
यूट्यूब दिस इज फॉर यू, तुम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तुमको ये सॉल्व करना चाहिए क्योंकि तुम इतने बड़े हो और हमारी ऑलमोस्ट आधी इनकम ले लेते हो जो कि ज्यादा नहीं है, या यूएसए नहीं है जहां पे आप बंगले खड़े कर लोगे 1 मिलियन व्यूज से, यहाँ पे साला आपको अगर मिलियन भी व्यूज आते ना तो भी आप कुछ अर्निंग नहीं करते हो ऑनेस्टली। ये यूएसए नहीं है कि यहाँ पे एड रेट काफी अच्छा है, ये इंडिया, यहाँ पे एड रेट की वैसे ही वाट लगी पड़ी है, ऊपर से यूट्यूब आके 45% लेके जा रहा है यार। एक काम करना 100% ले लो यार। साले तुम लोग को यूट्यूब से इतना ही प्रॉब्लम है, तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाते? Because our passion, this is our passion, this is our love. We love acting, we love creating content. और यही वजह हम लोग YouTube पे हैं, पैशन के वजह से। अगर पैसे के वजह से होते ना पहले साल छोड़ दिया रहता। और जैसे ये वीडियो जाएगी हम लोग को पता है हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, YouTube के अगेंस्ट बोल रहे। किसी भी एम्प्लॉयर को पसंद नहीं है कि एम्प्लॉय उसका उसके बारे में कुछ बोले या फिर उसकी खामियां बताए या फिर उसको क्रिटिसाइज करें। कॉपीराइट सिस्टम खराब है, कोई भी बच्चा कॉपीराइट दे सकता है, कोई भी आजकल का एरा गैरा हैक कर सकता है तुम्हारे चैनल को। कोई इनकम सोर्स ठीक से नहीं है, यूट्यूब का एडसेंस बहुत खराब है। तुम एक ही चीज की वजह से चल सकते हो, यूट्यूब पे सर्वाइव कर सकते हो, जो है ब्रांड डील्स। यस, काफी लोग पूछते हो कि आप लोग ब्रांड डील्स कोलैबोरेशन क्यों करते हो? करना पड़ता है यार, क्योंकि यूट्यूब से उतना अर्निंग नहीं आती है। दैट्स द ओनली थिंग जो हमको सर्वाइव करा पा रही है, ब्रांड डील्स। अगर सिर्फ हम यूट्यूब पे डिपेंड होते तो भाई साहब हो जाता हमारा। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। अब आते हैं ऑडियंस, तुमको क्या करना है? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज डू शेयर इट, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करना करो, क्योंकि एल्गोरिथम में हेल्प होती है। बट अगर पसंद आती है तो ही, नहीं पसंद आती तो मत शेयर करना। वैसे ही ऐसे काफी ज्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनको व्यूज नहीं आ रहे, उनका कंटेंट तो अच्छा है, अगर आपको पसंद आता है, वो आपको हंसाते या फिर कोई भी नॉलेज देते जिससे आपको मजा आता है, उसको शेयर किया करो। कोई भी यूट्यूबर हो, जस्ट शेयर इट, ओके? जितना अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी एक छोटा क्रिएटर एक बड़ा क्रिएटर बन पाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन कर पाएगा। जब आपको कोई बोलता है कि चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, दैट मींस यू हैव टू ज्वाइन, अगर आपको मजा आ रहा है तो। क्योंकि जो क्रिएटर है क्या पता वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो आपकी हेल्प चाहता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कर दिया करो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। हम लोग बार बार बोल रहे हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूट्यूब से तो उम्मीद चली गई हमारी। हाँ जी, यूट्यूब, देयर इज नथिंग नाउ। और जनता, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यार, कुछ लोगों के साथ ही मत चिपके रहो, बाकी लोग को भी एक्सप्लोर करो। सिर्फ सलमान खान से मत चिपके रहो, आपको आयुष्मान खुराना देखने नहीं मिलेगा फिर तो, समझ रहे हो? हमने जो वीडियो अपलोड किया है, वी नो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हमारा चैनल शैडो बैन भी हो सकता है। जिनको शैडो बैन नहीं पता, हमारा चैनल स्लोली डेथ, जिसकी डेथ होती रहेगी, जिसको चोक करते रहेंगे लोग और व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा और रेवेन्यू कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। ये क्रिएटर बेसिकली डिमोटिवेट हो जाएगा और चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ देगा, जैसे कि आज तक होता आ रहा है। ये हम लोग आजकल के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे, हम लोग को 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम लोग ये बात आपके सामने रख रहे हैं। हम लोग कब से बोलना चाहते थे आपसे बट बोल नहीं पा रहे थे ड्यू टू सेम रीजंस, शैडो बैन और फिर रिकमेंडेशन, कोई नहीं चाहता कि चैनल की डेथ होना, बहुत सारा रीजन है, एक नहीं बोल सकता। ये वीडियो सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये वीडियो उन सब क्रिएटर्स के लिए जो लोग चले गए इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के और जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक इट देयर। तो वी होप आप लोग का हमें सपोर्ट रहेगा और ऐसे ही सपोर्ट आगे करते रहिए, शेयर करिए वीडियो। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो का वेट करना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।